अब भी मेरा वही जवाब है जो 5 साल पहले था जब मैंने लैब छोड़ी थी। तुम अभी भी नहीं बदले, लेकिन मैं बदल गया हूं। लॉरेन भी, वो तो मतलब जैसे पूरा ही बदल गया। अभी भी तुम्हें अच्छा मानता है। मेरे वो एनिमल ड्रोन्स लड़ाई में लड़ने के लिए नहीं है। मेरे ड्रोन्स कोई हथियार नहीं है। वार कितनी बुरी बात है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि जो तुमने ढूंढा है वो कितना कीमती है। एक ऐसा इंसान जिसने लॉरेन को पागल कर दिया है और तुम उसे ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो। बस बहुत बहुत एलन, चले जाओ। क्या यह कोई तरीका है अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करने का? तुम्हें जानना भी नहीं है कि मुझमें मैं नहीं जानना चाहता। क्या क्या बदलाव आए हैं। तुम्हें पता चल जाएगा, फिर तुम चाहो या वो मिली क्या? जहां तुमने छोटी सुगर को। हाँ, अभी मैं उसे ढूंढ रही थी। तुम्हारे पास पूरा दिन नहीं है। हाँ? इस काम पे हमारे ऑफिस के आधे साल का किराया लगा हुआ है। हाँ, अगर वो इतनी जरूरी है तो आप भी तो मेरी मदद कर सकते हैं मिस्टर बैकले। मैं बिजी हूँ, ठीक है? खुद को बिजी बताकर उन्हें खुश करने की कोशिश कर रही हो। अगर तुम केस सॉल्व करने के लिए नहीं आए हो तो यहाँ से चले जाओ। तो तुम मेरी फीस काटोगे? धत मिस्टर बैकले, मुझे जाना होगा। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, सच में। और मुझे तुम्हें कितनी बार बताना होगा कि मुझे चीफ बुलाया करो। ओ, मिल गई। सुनो, अभी कुछ मत करना, समझी क्या तुम? मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। मेरी बात को ध्यान से सुन रही हो? वो बच्ची, उसने मेरा फोन काट दिया। मुझे पता है, तुम्हें लगता थोड़ी है मदद कि से वो मुझे मिलेगी। बॉस ही नहीं समझ। कसमी, क्या तुम सुन सकती हो? हाँ। क्या ये वही है? वो इस वक्त ग्रैंडसन डिस्ट्रीब्यूशन का मैनेजर है, लेकिन आज सच में मैंने पहले वो उनके वेपन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में सिस्टम इंजीनियर था। इतने महीने मैंने उस पर नजर रखी थी। वो उनमें से कोई भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस में नहीं आया था, और वो 6 महीने से कहीं नहीं गया। तुम ऐसे बन रहे हो जैसे तुमने भी उस पर नजर रखी हो, माधारा। तुम बहुत खुले में घूम रही हो। क्या ये ठीक है?
इंतजार करवाने के लिए माफी। पकड़ लिया। सच में आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ करें। उरे बाबा, आपने सच्चे दिल से ली ली, माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। शहर में अफवाह फैली है कि कोई पागल यहाँ पे घूम रहा है। हाँ, एक पागल। हमको खुशी मिली कि शुक्र हमको मिल गई। और हाँ, एक आखिरी सवाल। उरे बाबा, आपको आपका पेमेंट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ और चाहिए तो हमें जरूर बताना। एक पागल हाँ, शायद कोई बेवकूफ हेलोवीन अभी से ही मना रहा है। क्या ये अंधेरे में कुछ देख भी नहीं पा रही हूँ? अरे ये एलियन तो नहीं है जो पार्टी करने जा रही है उस लड़की की तरह? अच्छा, मतलब कुछ भी सोच रही हूँ मैं। ये अगर स्पेशल इफेक्ट, हाँ स्पेशल इफेक्ट पर सच में वक्त बदल है, मुझे कमेंट करना चाहिए कुछ। बात मिलते हैं, बोलो। मैं घर आ गई। तुम्हारा स्वागत है लिली, और तुम्हारा भी ओबोरो। खुशबू बहुत अच्छी है। किताब में लिखा है कि सही टेम्परेचर रखना जरूरी है। हमेशा खाना पकाने के लिए शुक्रिया मलिसा। मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए, तुम बाहर जाकर इतनी मेहनत करती हो और रेंट भरती हो, तो एक रूममेट होने के नाते मैं घर का काम तो कर ही सकती हूँ। ऑप्टिकल कैमोफ्लेज बहुत नाजुक चीज है, हल्की सी खरोच काफी नुकसान पहुंचा सकती है। मेरा तो कभी खराब नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारी चमड़ी मोटी है। क्या हमें जानवरों जैसा बनाया है? तुम सब शांत हो जाओ। मोटा भाई जल्दी से वॉल उठाओ, सिग्नल जाम करके रखा है। जैसे तुमने किया था। कौन हो तुम? ओह, तुम इंटरनेट नहीं चलाते क्या? वह तुम्हें बहुत फेमस हो।
वो ऐसे बता रही है जैसे कि ये कोई गर्व की बात है, लेकिन ज्यादातर अफवाहें। वैसे मुझे कुछ पूछनी थी तुमसे। ग्रैंडसन की कौन सी ड्रोन ने जाके जानकारी दी थी? तो चलो चलो विभव रखा दो, लेकिन मुझे छोड़ दो। ये ज्यादा हो रहा है। चलो लिली। मोटी बहन समझा करो, चटनी गीली है। जवाब दो। ठीक है, मैं बताता हूँ। एरिया डी। सच में? तो एक आखिरी चीज, क्या तुम 6 महीने की पहले की रेड में शामिल थे? मैं बस एक इंजीनियर हूँ, मुझे बस मेरे काम के लिए वो डाटा दिया जाता है। मुझे तो ये तक नहीं पता कि वो डाटा आता कहाँ से। अच्छा। आम लग रहा है, क्या ये सच में वही है? पीछे हट जाओ, इन कैमरा से डाटा बिल्डिंग में जाता है। हे तुम, क्या कर रही हो? अब वो मैं असल में एक प्राइवेट डिटेक्टिव के असिस्टेंट। तुम किसकी तस्वीर खींच रही थी? क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है? नहीं, मैं असल में शादीशुदा आदमी की जासूसी कर रही थी। जो भी हो, मुझे तुम्हारा बैग देखना है। हे छोड़ दो मुझे, मैं बोल रही हूँ कुछ ठीक से खड़ी रहो। हाथ मत लगाओ मुझे। तुम्हें साबित करना। छोड़ो, डोंट टच माय बैग। उसे इधर दो। जाने दो, बहुत हो गया। छोड़ो मुझे, रुक जाओ। छोड़ो, मैं बोल रही हूँ कुछ नहीं किया है। तो छोड़ नहीं, मैं नहीं करूँ। पर शक है, हम इसे अंदर ले जाने ही वाले थे। क्या तुम प्रोफेसर को बता दोगे? शुको, मैं इसे जानती हूँ, मैंने ही इसे यहाँ बुलाया है। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मिया। थैंक्स मिया। मिया, हाँ रुको मिया, तुम डिटेक्टिव हो है ना? क्या तुम एक केस सॉल्व करोगी? सॉरी, मैं अभी भी एक एजेंट हूँ। हाँ, तुम्हें चेस पसंद है? मैं पहले बता देती हूँ कि मैं चेस में बेहद अच्छी नहीं हूँ। F3, इसको C4 में। और इस घोड़े को A3 में। मेरे डैड मुझसे हमेशा जीतते थे। असल में उन्होंने मुझे तब सिखाया था जब मैं छोटी थी। लेकिन ये बहुत पहले की बात है। एक गया, अब तुम्हारी बारी। D4, घोड़े को H3 में। G4, मैं लगातार 5 गेम आ रही हूँ। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम इसमें इतने बुरी हो। मैंने पहले ही कहा था, पर तुमने नहीं माना। इसमें इतना हंसने वाला कुछ नहीं था। I'm sorry. मुझे अब जाना चाहिए। ठीक है, सुनो मिया, कल फिर खेले। कल मैं पूरी प्रैक्टिस करूंगी, अपने बदला दूंगी। क्या तुम इसे यहाँ छोड़ोगी? तुम
यहाँ दोबारा ना ही आऊँ तो अच्छा है। हाल ही में मुझे इतना मजा कभी नहीं आया। थैंक यू डिटेक्टिव। आज लेट हो जाऊंगी, डिनर मत बनाना। मैंने कुछ ज्यादा ही खरीद लिया। मैं फिर से वो पहनना नहीं चाहती। क्या हुआ मिया? तुम्हारे डैड को बड़ी परेशानी होगी अगर तुम ऐसा ही करती रही तो। जब मैं वो पहनती हूँ तो मैं नहीं रहती। ये सच नहीं है मिया, तुम हमेशा मेरी छोटी बच्ची ही रहोगी, और इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरी रिसर्च में मदद करो ताकि पूरी दुनिया जाने इसे। और मैं ब्रैड को दिखाना चाहता हूँ कि मैं सुरुगी से हर काम में बेहतर हूँ उससे, इसीलिए मुझे और डाटा चाहिए, और मैं इसी को इकट्ठा कर रहा हूँ। और इस काम के लिए तुम सबसे बेहतर हो, तुम सबसे अलग हो, तुम्हारे पास सुपर पावर्स है, तुम समझ रही हो ना? अगर आप वादा करें कि ये आखिरी बार है तो। बिल्कुल डियर। मेरी प्यारी बच्ची मिया। क्या तुम उन्हें डिसेबल कर सकते हो? हमें जगह पता है तो ये हो सकता है। तुम बाद में थैंक्स कह सकते हो। कोई नहीं कहेगा। क्या पक्का ये जगह है? हाँ, मैं उनसे डैड की रिसर्च वापस लेकर रहूंगी। तो तुम पक्का यही करोगे क्योंकि बाद में हम पलट नहीं सकते। अभी मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। कुछ नहीं हुआ, सिक्योरिटी वाले ही पता चला। वो डैड की रिसर्च को हथियारों में लगा रहा है। चलो इन्हें खत्म कर देता।
लेकिन कैसे? छत को गिराते हैं और इन्हें दफना देते हैं। सुरुगी फिर से एलन सुरुगी, तुम्हारे रिसर्च को इतनी इज्जत क्यों मिली जबकि मुझे नजरअंदाज किया गया। ग्रहण सिंह चाहता था कि तुम रुको लेकिन तुम चली, और उन्हें मेरी जरूरत नहीं थी लेकिन मैं टिका रहा हूँ अपने काम के लिए। आखिर तुम्हारे में ऐसा खास क्या है? मैं भावनाओं में बह गया था, पर लेकिन अब कोई बात नहीं, तो ईश्वरोगी पहले ही मर चुका है। कितने शर्म की बात है। मेरे डैड के बारे में बोलने का सोचा भी मत। लिली नहीं, प्लीज रुक जाओ। इस ईश्वरोगी की लड़की को मार दो। लेकिन जाओ। बहुत बढ़िया मिया। क्यों अपने कान तक कॉलर नहीं लगाएंगे? लेकिन ये देखते क्या मौका है। रिसर्च देखते हैं कि किसकी रिसर्च बहुत बढ़िया है। बढ़िया, इस रूबी की आखिरी कतरा तक अब तबाह हो जाएगा।
कसुमी, मदारा, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मदारा में होश है, लेकिन मैंने उसे उठा लिया। कसुमी, मुझे कुछ जानना है। मैं क्या मदद करूँ? पता लगाओ कि लॉरेन कहाँ गया। जैसा तुम चाहो। अब ये बात पता करने का कोई तरीका नहीं है, है ना? क्योंकि वो मर हुआ था। हाँ, वो मर चुके हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हें कभी किसी को मारा नहीं सिखाया, है ना? तो फिर तुम्हें पता है तुम्हें क्या कर रहा है? चाहता हूँ कि लोगों की मदद करें। उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, ना ही दिल, और मैंने उन्हें ये इसलिए दिया है ताकि वो हमारी तरह चीजें महसूस कर सके, किसी के साथ होने का एहसास, और उन्हें भी ये अच्छा लगता है जिससे वो इसके मजे ले सकते हैं। और ये कोई एक तरफा चीज नहीं है, और तुम एक असली दोस्त तब बना सकती हो जब तुम एक दूसरे की चिंता करते हो। रीका, तुम समझ गई ना? तो फिर तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है ना? मुझे माफ कर दो। मुझे भी माफ कर दो। ये एक चीज है रीका, सबसे जरूरी होता है कि तुम माफी देने के काबिल बनो। मुझे तुम पर सच में गर्व है रीका। मिया, मैंने इसकी पट्टी कर दी है। I'm sorry, Melissa. ऐसे भी ना पता इसे घर ले आना। तुमने कहा था, मुझे लगा ही था कि तुम पूरी रात बाहर नहीं रुकोगी। धमाके की वजह से अभी तक नहीं पता। क्रेटशियम के अनुसार किसी की जान नहीं गई। शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए थे कि क्या हुआ। हाँ, मुझे पता है कि मेरी रूममेट एक डिटेक्टिव है। मैं समझ सकती हूँ कि सीक्रेट्स की भी वैल्यू होती है। शुक्रिया मेलिसा। और हाँ, क्या तुम वापस आने तक उसका ध्यान रख लोगी? तुम काम करने जा रही हो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तुम्हें आराम की जरूरत है। मिस्टर बागली मुझे हटा देंगे अगर मैं नहीं गई तो। और वैसे भी मैं तो ऑफिस में सो ही सकती हूँ, है ना? हाँ शायद। ओके, मैं समझ गई, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। न्यूज में धमाका दिखाया गया है, दूसरे की मजा छुपाई गई है। कसुमी और मडेरा लॉरेन को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो नहीं मिले। उन्हें थोड़ी मेंटेनेंस चाहिए थी, तो उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे नहीं पता उसके मिलने के बाद मैं क्या करूंगी। मतलब मिया तब मुझे नहीं मार पाई थी। मैं सिर्फ अपने डैड की बेटी नहीं हूँ, मुझ में अपने दादाजी का भी खून है। जो कि अच्छी बात थी। ये तो साफ है कि वो कॉलर मिया के ब्रेन में उसको बदल रहा है। वो अपने होश में नहीं थी, पहले भी ऐसा ही हुआ होगा। देखो, तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है इस बारे में? पता है, फिर भी। सॉरी, शायद ये अभी तैयार नहीं है। मेलिसा की चिंता मत करो, मैं उसका ध्यान रखूंगा। I'm sorry, दादाजी। एक स्क्वायर वेव्स, एक क्रॉस, एक सर्कल
और आखिरी वाला स्टार। बहुत बढ़िया मिया। क्या हुआ? सब बोलते हैं कि मैं झूठी हूँ, कि मैं दिखावा करती हूँ। ठीक है, तो मैं उन सबको अब गलत साबित कर दूंगा और मैं सबको दिखा दूंगा पूरी दुनिया को कि तुम्हारी ताकत असली है। डैड। क्या हुआ? डैड, क्या आप? हाँ बेटा, आई लव यू हमेशा से और आगे भी। डैड! सॉरी, मुझे लगा कि तुम्हें किसी की जरूरत पड़ेगी। मैं कहाँ हूँ? लिली के घर में। लिली? ऐसे बाल वाली लड़की? और तुम? मैं हूँ मेलिसा, लिली की रूममेट। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। काफी ठंडा है। सॉरी मैं ऐसे ही हूँ, लेकिन उसके लिए मैं बस थोड़ा रुको, फिर तुम्हें कुछ अच्छा और गर्म खाने को मिलेगा। क्या तुम्हें थोड़ी मदद चाहिए? कोई बात नहीं, मान नहीं आता इसलिए थोड़ी हड़बड़ाहट है। ओ धुआं, ये थोड़ी है। ओ नहीं, नहीं। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारे पास फर्स्ट एड आईडी है? हम खाना लिली के साथ खाएंगे, तो थोड़ा और इंतजार करो, ठीक है? ओ ये मेरा है, बस मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया था। यहाँ बैठ जाओ। खुशबू तो कमाल की है। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई? इस प्रकार के सवाल पूछना बंद करो। अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम जा सकती हो। hey. वैसे मैंने थोड़ा ज्यादा बना दिया, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम भी खाओ तो। हाँ। तुम दोनों दोस्त हो है ना? नहीं। चलो खाना शुरू करो। खाने के लिए शुक्रिया। ये स्वादिष्ट है। तुम्हें कुछ चाहिए? मैंने तुम्हें मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स नहीं कहा। मैं तुम्हें नहीं बचाया है, मैं बस तुम्हें मार नहीं पाई, क्योंकि मैं डरपोक हूँ, कमजोर हूँ। I'm sorry। अभी मत भागो, इसमें तुम्हारी
कोई भी गलती नहीं थी, इससे ये पता चलता है कि मैं कितनी बेकार बच्ची हूँ और दादाजी को भी मुझ पर शर्म आ रही होगी। अभी जब तुमने मेरी पहली बार मदद की थी तब, अगर मैं सच में डिटेक्टिव होती तो तुम मुझसे क्या करवाते? मैं अपने डैड को रोकना चाहती हूँ, लेकिन अब मुझे पता लग चुका है कि यह कोई ऐसा काम नहीं है जो मैं दूसरे से करवाऊं। डैड, क्या ये तुम हो मिया? हाँ मिया, ओ मिया, तुम ठीक तो हो? मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारे बिना। मैं सुनो, हम दोनों साथ में पुलिस के पास चलते हैं और उन्हें 6 महीने पहले जो कुछ भी हुआ सब बता देते हैं। डैड, मिया क्या तुम, नहीं तुम कहाँ हो? तुम सही कह रही हो, तुम बिल्कुल सही हो, जो हुआ था वो बुरा था। अब मैं तुम्हें और निराश नहीं करूंगा मिया, मैं अपनी रिसर्च छोड़ दूंगा। मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। हाँ, मैं जल्दी यहाँ आता हूँ मिया। हम मिया को इस रोगी से वापस ले आएंगे। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग। सॉरी, मैंने डैड को बताया था और उन्होंने कहा कि वो समझ गए। मैं बहुत खुश थी, लेकिन
से बात के लिए बचा के रखो, अभी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कोई ना कोई कमजोरी तो होती ही है। देखा, भिजियों को भी ये बात पता है। ये आखिरी बार है जब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो तुम्हें क्या लगता है मियां, लगता है मेरी रिसर्च बहुत सही तरीके से काम कर गई है? अपने फादर की सिर्फ एनिमल ड्रोन्स और ये सुरागी के लिए थोड़ा ज्यादा हो गया है। लगता है तुमने गलत साइड चुन ली। सामने से हट जाओ मियां, समय आ गया है कि अब तुम्हारे डैड दुनिया को दिखाएं कि वो कितने महान आदमी हैं। शुभ चाहिए। अब मैं आखिरी बार पूछूंगा, हट जाओ। डैड, क्या आपको कभी मेरी चिंता थी? हाँ बिल्कुल, तुम ही मेरा अभी तक का सबसे बड़ा आविष्कार हो। लेकिन लगता है अब वो बात नहीं रही है ना? काश मैंने आपके एक्सपेरिमेंट में कभी मदद ही ना की होती। काश मैं इतनी बहादुर होती कि बचपन में अपना मजाक सह सकती। आई एम सॉरी डैड। क्या तुम सुन सकते हो? हाँ, लेकिन अब हिलने ढुलने में थोड़ा समय लगेगा।
मुझे भी, लेकिन प्लीज लेनी, तुम्हें मियां की मदद करनी होगी। रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है। रीका को बहुत हंसी आने वाली है। सच में? रीका, सबसे पहले मैं तुम्हें तुम्हारे 26वें जन्मदिन पर बधाई देता हूँ। मुझे डैड बुलाया तुमने? जो भी है, रीका इतिहास में 26 साल का होना मतलब इस सुरागी क्लैंड का कमान संभालने लायक हो जाना। लेकिन इस बार मैं तुम्हें चुनने का मौका देता हूँ। इस सुरागी क्लैंड ने अंडरवर्ल्ड में कई सालों तक राज किया है और लोगों को मारकर अपना मिशन कंप्लीट किया है। इसलिए नहीं कि हम ताकतवर थे, बल्कि इसलिए कि हम कमजोर थे। हम सब, मैं भी, हम डरपोक थे, क्योंकि हमारा दिल कमजोर था, इसलिए हमने दूसरों को मारना शुरू किया। लेकिन रीका, तुम इन सब चीजों में हमसे भी ज्यादा ताकतवर हो। तुम्हारी दया तुम्हारी कमजोरी नहीं है, तुम्हारी दया तुम्हारी ताकत है। ताकत? मैं चाहता हूँ कि तुम इस क्लैन की कमान संभालो। कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि रीका इजुरुगी क्लैन की कमान संभाल लेगी। और हाँ, वो वही करेगी जो सही है और जो सही होगा। मुझे तुम पे पूरा यकीन है। हाँ, वो मेरी पोती जो है, एलेन और वे ने ये साथ में बनाया है। तुम्हारा जब भी इसे पहनने का मन हो तुम पहन सकती हो, समझी क्या? दादाजी, रीका, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। पहले मैं ये सोचती थी कि मुझे डैड या दादाजी में किसी ही को ही चुनना होगा, लेकिन मैं गलत थी। मैं खुद में रह के भी दोनों के कल्पों में चल सकती हूँ। इस रुगी क्लैन की सत्वर्ष मुखिया रीका इस रुगी तुम्हारे सामने है। फिर से वही ईशुरुगी।
मैंने कहा ना कि मैं अब तंग आ चुका हूँ। हो गया टेंट। प्लीज तुम मुझे अभी भी वही कहोगी जो मैंने इतना कुछ किया उसके बाद भी? मुझे माफ कर दो मिया, सच में मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। अब अपने डैडी को फिर से मदद करो। एक बाप को अपनी बेटी की रक्षा नहीं करनी चाहिए क्या? खत्म कर दो, मिटा दो जो भी इस रोगी से जुड़ा है सबको। तो जो भी इस रुकी से छुड़े हैं सब कुछ। मुझे सब तबाह करना होगा। मैं मिया को बचाना चाहती हूँ, वो मेरी दोस्त है। मैं चाहती हूँ कि तुम सब मेरी मदद करो। पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मिटा दो।
इसीलिए। जिस रोबोट ने सड़कों पर इतनी तबाही मचाई थी वो ग्रैंड शिम की प्रोडक्ट की कॉपी था जो डेवलपमेंट में थी। ब्रांड सिटी की पुलिस की मदद से हमें पता लग गया है कि ये किसका काम है। वो पहले हमारी कंपनी में काम करता था और हाल ही में दिमागी हालत खराब होने के चलते छुट्टी पे था। दुर्भाग्यपूर्ण इस हादसे से काफी नुकसान हुआ है। बिल्डिंग जो इस हादसे में, आपका मतलब घर से मिस हादसे का जिम्मेदार नहीं था क्योंकि जिसने ये किया है वो यहाँ नहीं था। हमें पता है कंपनी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है पर ये तो अच्छी बात नहीं। यहाँ से मैं संभालता हूँ तो मुझे इसकी आदत नहीं है तो थोड़ा रहम करना। सबसे पहले तुम सब शांत हो जाओ। ग्रेट सिम इस तबाही के सारे नुकसान की भरपाई करेगा, प्रॉपर्टी से लेकर हॉस्पिटल के खर्चे तक सब। जब से मैं प्रेसिडेंट बना हूं तब से इस कंपनी और इस शहर में काफी बदलाव आया है। मुझे पता है तुम में से कई लोग वो बदलाव जानना चाहते हैं, लेकिन मैंने जो भी किया वो सबकी भलाई के लिए किया ताकि ये शहर अपने नए नाम के साथ खूब तरक्की करे। और मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूं कि ग्रैंडसन और मैं ब्रांड इनग्राम ब्रांड सिटी को महान बनाने में लगे रहेंगे। MD00 छह महीने बाद ही सही, पर आखिरकार तुम मिल ही गए। लॉरेन को खोना एक शर्मनाक बात है, पर ये मिलने के बाद थोड़ा राहत मिली। एलन की बेटी का बहुत बहुत Fox.